बोट एयर डोप 141 विद एनसी का बॉक्स अपने हाथ में आ चुका है दोस्तों। बोट ब्रांड को कोई भी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है भाई, हमारे पॉपुलर शार्क अमन गुप्ता का ब्रांड है। बोल बोल बोल। अच्छा लग रहा, अच्छा लग रहा, फील आ रही है। इस वाले वीडियो में इसकी जांच पड़ताल करेंगे, सबको बहुत ज्ञान दिया है, अपना प्रोडक्ट कैसा है उनका वो देखते हैं। सबसे पहले पैकेजिंग काफी अच्छी है। एक बजट ईयरबड्स होने वाला है विद एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, मतलब वही टेक्नोलॉजी जिससे बाहर की आवाज आपके कानों में नहीं आती है, लेकिन आपको उसके लिए खरीदना पड़ेगा। बॉक्स ऐसे खुल जाएगा यहाँ से। ओ भाई ये मस्त लग रहा है यार, हाई क्वालिटी अनबॉक्सिंग। ये प्रोडक्ट निकल चुका है, फर्स्ट इंप्रेशन में एक्चुअल में ये काफी ज्यादा सही लग रहा है। मैट फिनिश है इसका, साइड ऐसे ग्लॉसी पैटर्न से गया हुआ है, नीचे में टाइप सी का छेद है, और ये है रीसेट बटन। ऑनेस्टली रीसेट बटन बहुत काम आता है, बहुत सारे महंगे ईयरबड्स में होता ही नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत सस्ते प्राइस में दे दिया। और बॉक्स के अंदर एक और बॉक्स है, टाइप सी केबल अच्छी क्वालिटी का, और यहाँ पे एक्स्ट्रा ईयरबड्स बड़का छोटा का, यहाँ पे बीच वाला लग के आता है, और थोड़ी बहुत आपको पत्रिका मिल जाएगी। अनबॉक्सिंग के लिए इतना ही कुछ था आपके लिए। अब बात करते हैं बोट एयरडोप्स 141 एएनसी के बारे में, लेकिन भाई इसके बड़े भाई के बारे में बात करना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इंडिया में एयरडोप्स 141 दो साल पहले लॉन्च हुआ था जुलाई 2021 में, और 2 मिलियन यूनिट बोट ने अभी तक इसको बेचा है, समझ रहे भाई। अमेजोन पे 2 लाख प्लस रेटिंग है इसके ऊपर। अगर आप नोटिस करोगे डिजाइन भी काफी चेंज आ चुका है, और इन्होंने 141 एएनसी के साथ काफी सारे फीचर्स दिए, जैसे कि इसका काफी यूनिक डिजाइन, इन हैंड पूरा मैट फिनिश होता है, और अगर आप ईयरबड्स यूज करोगे तो देखने में भी काफी प्रीमियम सा लग रहा है ये। और इस बार 32 dB एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन के साथ आता है, मतलब जो आपके बैकग्राउंड की नॉइस है वो तो आराम से ये कैंसिल आउट कर देगा। बजट ईयरबड्स के हिसाब से एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आपको मिलती ही नहीं है, बट बोट ने प्रोवाइड किया है। तो अभी अपने प्राइमरी फोन से कनेक्ट कर लेता हूँ एक बार। देखो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको रीसेट बटन मिलता है, लिड ओपन करो और इसको ऐसे दबा दो, मोबाइल में एयरडोप्स 141 एएनसी शो करने लग जाएगा, बहुत सिंपल है भाई। और इसके एएनसी क्वालिटी के बारे में बात करूं, ये वाली लाइट काफी ज्यादा आवाज करती है, और मैंने ईयरबड्स लगा रखा है, मुझे बहुत स्लाइड से इसकी आवाज आ रही है, लेकिन अगर मैं गाना प्ले कर देता हूँ बिल्कुल आवाज नहीं आने वाली है। एक बार आउटडोर पे चेक करते हैं, अभी रोड से बाइक क्रॉस हो रही है, बहुत स्लाइड से इसकी आवाज आ रही है, मुझे साइकिल की आवाज नहीं आएगी। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। अब एक कार क्रॉस कर रही है, बाइक भी जा रहा है भाई, थोड़ी ज्यादा आवाज है, लेकिन आवाज बहुत स्लाइड से मुझे आई है, तो डेफिनेटली एएनसी काम तो अच्छा कर रहा है। और आउटडोर में आए एक बार भाई, इसकी फिटिंग भी चेक कर लेते हैं। फिटिंग चेक करने का सबसे अच्छा तरीका दोस्तों वर्कआउट करना, पुशअप मारते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा गर्दन हिला लेते थोड़ा। सुबह में जिम करके आया भाई, लेकिन आप लोग कितना पुशअप मार सकते हो एक बार में कमेंट में बताओ। बैक टू शूट, सबसे पहले बोट ने इसके अंदर आपको 2 डिफरेंट मोड्स दिए हैं, एक है इनका बोट सिग्नेचर साउंड और दूसरा है बैलेंस मोड। और ईयरबड्स के अंदर आपको 10 mm का ड्राइवर है, साउंड ड्राइवर जो होता है आपको नंबर गेम होता है, क्योंकि बोट ने इसको ऑडियो ट्यून इनहाउस कर रखा है, और इनका जो बोट सिग्नेचर साउंड है वो बहुत अमेजिंग लगा मुझे। अगर आपको याद होगा बोट के प्रोडक्ट फेमस हुए थे इनके क्रेजी बेस के लिए, और अगर आप एक बेस लवर हो तो बोट सिग्नेचर साउंड आपको बहुत मदद देने वाला है। बैलेंस मोड और बोट सिग्नेचर साउंड में चेंज करने के लिए आपको जो आपका लेफ्ट ईयरबड्स है इस पे आपको 3 सेकंड के लिए ऐसे प्रेस होल्ड करना पड़ेगा, इसने बोला बैलेंस मोड। अभी बैलेंस मोड पे हम लोग फुल वॉल्यूम पे गाना सुन रहे हैं, और भाई हम लोग इसलिए बोल रहा हूँ पूरे घर को गाना सुना सकता है, तो वॉल्यूम तो बहुत अमेजिंग है। अगर आप 60% वॉल्यूम पे सुनते हो तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रिस्पांस आने वाला है, बेस एकदम डिफाइंड आ रहा है, और जो वोकल्स है वहाँ पे हल्का सा डिस्टॉर्शन है। लेकिन अभी स्विच करते हैं बोट सिग्नेचर साउंड पे। सिग्नेचर साउंड में जैसे आप स्विच करोगे वॉल्यूम आपको थोड़ा सा और स्पाइक मिलेगा, बेस से वो बहुत डिफाइन हो जाता है, जिसका साउंड सेपरेशन है दोनों ईयरबड्स का लेफ्ट एंड राइट चैनल्स का वो भी बहुत अच्छा सेपरेट करता है। तो अगर आपको बेस वाले गाने पसंद है, जैसे कि मैं बहुत सुनता हूँ बेस वाले गाने वर्कआउट करते टाइम, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बाहर आवाज आ रही है, जैसे मैं गाना पॉज करता हूँ ना ऐसे थोड़ा शांत लगती है 1 सेकंड के लिए। और उसके टच कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं, सिंगल टैप करूंगा मैं यहाँ पे, गाना पॉज एंड प्ले हो जाएगा। और अच्छी बात यहाँ पे है, जैसे आप ईयरबड्स को टच करते हो माउस क्लिक की आवाज निकालता है, उसे समझ में आता है कि आपका टच रिस्पॉन्स एक्सेप्ट हुआ है। अब मैं डबल टैप करता हूँ, नेक्स्ट हो जाएगा, यहाँ पे परफेक्ट काम करता है। और राइट को अगर आप प्रेस होल्ड करके रखते हो तो ये चेंज होता है एम्बिएंट साउंड, नॉर्मल मोड और एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन में। और बीच मोड को एक्टिवेट करना है, लेफ्ट वाले को ट्रिपल टैप करो, तो इसको यूज करके आप बीजीएमआई खेल सकते हो, गेम वेम तो ठीक है, लेकिन मैं प्रीफर करता हूँ इसको वीडियोस देखते में, क्योंकि YouTube पे वीडियो देखोगे या फिर अपने Netflix पे हल्की सी कहीं ना कहीं लेटेंसी होती है, जिसको ये वाला ईयरबड पूरा खत्म कर देता है। लेकिन गेम ऑन हो गया, अब खेल भी लेते हैं। और यहाँ पे पूरा साउंड सेपरेट हो रहा है, मुझे राइट साइड में पूरी गोलीबारी की आवाज आ रही है, बिल्कुल भी लेटेंसी नहीं फील हो रही है। और अच्छी बात यहाँ पे कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा है ना, तो गेम का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये ए भाई साहब, कंप्लीट जो फुटस्टेप होते हैं डायरेक्शन वाइज पूरा इसमें फील हो रहा था। अब म्यूजिक सुन लिया, गेम भी खेल लिया, लेकिन इसकी बैटरी भी निराश नहीं करेगी आपको, 6 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी एक ईयरबड्स की फुल चार्ज पे। और केस के साथ आपको कंप्लीट 42
आवर्स का बैटरी लाइफ मिलेगा। आप बिंज वॉच करते हो उसमें भी कोई इशू नहीं होगा, 6 घंटे की बिंज वॉच बहुत होती है भाई। और इसमें ईयरबड्स पे कॉलिंग के लिए आपको ENX टेक का यूज कर रहे हैं बोट वाले। ये बेसिकली आपके ऑडियो क्वालिटी को और इम्प्रोवाइज करता है। और यहाँ पे टोटल 4 माइक का यूज किया गया, 2 माइक इसमें है और 2 माइक इसमें है, टोटल 4। और एक्टिव नॉइज कैंसलेशन की मदद से आपको बैकग्राउंड नॉइज भी कट होता है, तो सामने वाले को बैकग्राउंड नॉइज भी नहीं जाएगा। तो एक बार कॉल लगाते हैं, रिंग तो काफी नेचुरल जा रहा है। हेलो भाई, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। कैसी आवाज है भाई? अच्छी आवाज, फोन लाइक है। और अभी जब आवाज सुन लो, ये है बोट A-Dope 141 AMP के साथ। और आप डबल टैप करोगे ऐसे कॉल कर जाते। तो अगर फाइनलाइज करते हैं बोट A-Dope 141 को, तो एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है बोट की तरफ से। एक्टिव नॉइज कैंसलेशन है इसका, बैटरी लाइफ काफी अच्छी मिल रही है, साउंड क्वालिटी मस्त बेस वाली है और देखने में भी काफी प्रीमियम लगता है। इसकी प्राइसिंग आपको 1499 रुपीज से 1799 रुपीज तक आएगी। एक्यूरेट प्राइस चेक करना है, फर्स्ट कमेंट में लिंक डाल देंगे और डिस्क्रिप्शन में भी। इस वाले वीडियो को देखते हैं, आई होप कि आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।